बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक करियर्स इन बायोलॉजी। दिस टॉपिक इज मेंशन इन चैप्टर नंबर 1 ऑन पेज नंबर 5। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, वी मस्ट नो व्हाट आर करियर्स और व्हाट इज कैरियर। कैरियर्स मीन्स प्रोफेशंस, इन उर्दू पेशे। इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोफेशन या पेशे अख्तियार करता है और अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने की कोशिश करता है। बायोलॉजी में भी मुख्तलिफ किस्म के इस तरह की फील्ड्स हैं जिसमें एक बायोलॉजी स्टूडेंट अगर कोशिश करे और वो चाहे कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, मुझे कोशिश करनी है और मुझे बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट करनी है, तो वो अपनी इस सोच को अगर कामयाब बनाना चाहता है तो उसको ये करियर्स अपनाने चाहिए। नाउ बिफोर गोइंग टू इम्पोर्टेंस, इट इज़ एसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी हु विल ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ लीडरशिप टुमारो हैव द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ साइंस। लिहाजा ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो आज के दौर में पढ़ रहा है, आज की तालीम हासिल कर रहा है और कल उसने अपनी एक पोजीशन बनानी है और बाकायदा तौर पे एक सरबरा के तौर पे सामने आना है, यानी आज का स्टूडेंट जो है वो कल एक बहुत बड़े मिसाल के तौर पे हमारे सामने आएगा, तो उसको चाहिए कि वो अपने पस मंज़र में या बैकग्राउंड में इस तरह की ब्रांचेज ऑफ साइंस का इंतखाब करे जो उसको जदीद और आगे तक ले जाने की के लिए मदद करें। So an accurate and modern knowledge of biology. So this will become the importance of biology or for different careers in biology. कि क्यों आप एक अच्छे बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। आप एक अच्छे साइंटिस्ट उसी सूरत में बन सकते हैं जब आप बायोलॉजी की अहमियत को समझ सकें। So what is the importance to adopt different careers in biology? An accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research projects. क्योंकि जब तक आप एक सही, दुरुस्त और मयारी जिद्दत वाली ये जदीद तालीम या इल्म हासिल नहीं करेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप किसी भी साइंस या साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अपने इंतहा तक या मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको जिद्दत के साथ यानी जदीद तालीम के साथ आगे बढ़ना है और बायोलॉजी इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। नाउ डिफरेंट करियर्स इन बायोलॉजी, ये मुख्तलिफ अगर करियर्स की तरफ हम देखें तो बायोलॉजी के फील्ड के अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशंस कुछ इस तरह से मिलते हैं। नंबर वन पे आता है मेडिसिन और सर्जरी। यकीनन हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने, लिहाजा आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप मेडिसिन या सर्जरी की तालीम हासिल करें। इसी तरह नंबर टू पे आता है फिशरीज, जिसमें फ़िश की क्वालिटी और क्वालिटी पे बात होती है और इसमें फ़िश पे या जो आपके नॉर्मली फार्म्स वगैरह होते हैं, फ़िश फार्म्स, उनकी बेहतरी और उनके जो डेवलपमेंट है उनके बारे में कोशिश की जाती है। नंबर थ्री पे आता है एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़रात के शोबे में पाकिस्तान दुनिया में बहुत आगे तक जा सकता है और ये उसी सूरत में हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना नाम कमाए। नंबर फोर एनिमल हस्बेंड्री आता है, जिसमें एनिमल स्पेशली जो लाइव स्टॉक्स होते हैं या जिन्हें हम मवेशी कहते हैं, उनके हवाले से उनकी बेहतरी के लिए इकदाम कर सकें, तो ये आप अगर तालीम हासिल करेंगे तो लाइव स्टॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसी तरीके से हॉर्टी कल्चर, जिसमें गार्डनिंग यानी जैसे माली बाग की देखभाल करते हैं, इसी तरीके से वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनके हवाले से जो है वो इस पर बात होगी और इसी हवाले से बायोलॉजी का एक स्टूडेंट जो है वो इसको अडॉप्ट कर सकता है। इसके अलावा जो है वो बात होती है फार्मिंग की, और फार्मिंग का मतलब डजेंट मीन कि कोई फार्मर है या कुछ इस तरह का, लेकिन ये कि आप फार्मिंग को जो रिलेट करेंगे वर्ड को, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। जैसे ये फार्म जो है वो एनिमल ब्रीडिंग के भी हो सकते हैं, ये कोई फ्रूट फार्म्स भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट फार्म्स पे, इवन पोल्ट्री फार्म इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, तो डिफरेंट फार्म्स के हवाले से जो तालीम हासिल करने के बाद आप एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं और एक साइंटिस्ट बनते हैं, तो आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं। इस तरीके से फॉरेस्ट्री का एक शोबा आता है, जिसमें
जंगलात की देखभाल के हवाले से बहुत ज़्यादा काम होता है जो कि एक साइंटिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किस तरीके से मुल्क की जो इकोनॉमी होती है, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क की इकोनॉमी का ज़्यादातर दारोमदार जो होता है वो फॉरेस्ट यानी जंगलात पर होता है। जितने आप डिफॉरेस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, जितने जंगलात का कटाव करेंगे, उतना ही मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। तो एक फॉरेस्ट्रीज का हामिल जो है प्रोफेशनलिस्ट ही बता सकता है कि वो किस तरीके से इस शोबे में रहते हुए अपने मुल्क की जो है वो खिदमत कर सकता है। नंबर 8 पे आता है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका शुमार होता है। और इसमें बेसिकली एक साइंटिस्ट जो है या बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो कोशिश करता है या उसकी पूरी एक कोशिश होती है कि वो ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस यानी ऐसे मुफीद चीज़ें तैयार करें जो कि इंसानियत के लिए, इंसान की बेनिफिट के लिए और उसकी वेलफेयर के लिए जो है वो काम आते रहें, जिसमें कुछ मिसालें जो है वो आप इस टॉपिक में सुनेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट वील डिस्कस मेडिसिन और सर्जरी एज अ कैरियर इन बायोलॉजी। मेडिसिन एंड सर्जरी एक्चुअली आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक बायोलॉजी स्टूडेंट को MBBS के कोर्स से गुजरना पड़ता है, यानी ये तालीम हासिल करनी पड़ती है। ये तालीम बेसिकली क्या है और क्या है इन तमाम लेटर्स का वखफ या एब्रीवेशन क्या है, ये एक लैटिन कॉम्बिनेशन है वर्ड्स की, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर M मीन मेडिसिन, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, B से बैचलर, अगेन B फॉर बैचलर एंड सर्जरी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज मेडिसिन एंड सर्जरी, सो बैचलर ऑफ मेडिसिन एज वेल एज बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये सेम बेसिक कोर्स है जो कि दोनों जो है वो फील्ड्स के लिए पढ़ा जाता है, यानी इसके बगैर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। फिर जब हम मेडिसिन और सर्जरी को अलग अलग देखते हैं या डिफरेंट एंगल से इनका जो है वो एक मुजाहरा करते हैं कि क्या है, तो मेडिसिन क्या है बेटा, मेडिसिन जो है वो एक ऐसा शोबा है डॉक्टरी के लिहाज से देखें तो कि जिसमें बाकायदा तौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोस करते हैं, यानी डायग्नोसिस होती है, और साथ साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी मरीज की या पेशेंट की बीमारी की। यानी सबसे पहले तो इनका डॉक्टर्स का क्या काम होता है, जब एक पेशेंट जो है वो इनके पास आता है तो वो सबसे पहले डिसाइड ही करते हैं कि खुदा न खासा जो है वो बीमारी के अलामात क्या हैं, तो सिम्टम्स की बुनियाद पर वो डिसाइड करते हैं, यानी अलामात की बुनियाद पर वो कहते हैं कि आपको ये बीमारी है। और फिर उसके बाद नॉर्मली ये देखा जाता है कि वो कौन सी मेडिसिन हैं जिनको वो सजेस्ट करते हैं, तो ये कैटेगरी फिर हमारे पास आती है मेडिसिन के लिहाज से, या डिफरेंट वो सिरप्स या टैबलेट्स उनको दे देते हैं। तो वहाँ से फिर बेसिकली हमारे पास जो मेडिसिन का वर्ड आता है वो इसी वजह से आता है कि जब किसी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद उसके इलाज के लिए बाकायदा तौर पे पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाएँ, तो ये पूरा जो एक अमल है वो मेडिसिन में पढ़ा जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द दिस कैरियर इज सर्जरी। MBBS का जो सेकेंड जो अपने कोर्स पढ़ना होता है वो सर्जरी। अब एक जब डॉक्टर अपने आप को समझ लेता है कि मैं एक आम बीमारी से लेकर ख़ास बीमारी तक का एक इलाज या उसका डायग्नोस कर सकता हूँ, तो फिर उसको मज़ीद आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा होती है, जिसके लिए वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? स्पेशलाइजेशन की तरफ। स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है? कि वो उसमें अपने स्किल के अंदर, अपने काम के अंदर मज़ीद महारत चाहता है, वो चाहता है कि माहिर हो जाए और जिस प्रोफेशन में उसने अब कदम रख दिया है उसमें अच्छी तरीके से आगे बढ़े और दूसरों की जो खिदमत है उसको अपना अवलीन मकसद बना ले। सो सर्जरी में क्या होता है कि इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जो खुदा न खास्ता जो डैमेज पार्ट होता है, डैमेज पार्ट से मुराद ये कि आपके बॉडी के कुछ हिस्से, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि जो काम करना छोड़ देते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो इन डैमेज पार्ट्स में ज़्यादातर जो शुमार होता है आपके ऑर्गन्स का वो है किडनी और लिवर का। तो अब एक सर्जरी से रिलेटेड जो सर्जन होते हैं, यानी यहाँ से जो प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो
डॉक्टर्स होते हैं उनको हम सर्जन्स कहते हैं, सर्जन के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इन सर्जन्स का काम क्या होता है कि वो फाइनली डायग्नोस करके बता देते हैं कि फला जो पार्ट है आपका किडनी या लिवर खुदा न खास्ता ये अब काम करना से छोड़ दिया है, तो वो फिर आपको ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जो है वो यानी एक इलाज की तरफ लेके जाते हैं जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ट्रांसप्लांटेशन की मिसाल ऐसे समझ लें कि जैसे खुदा न खास्ता कोई आपके घर में कोई कपड़ा फट जाता है, तो नॉर्मली एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कि कहीं से अगर वो फट जाए तो बाकायदा तौर पे उसको थोड़ा सा मज़ीद फाड़ कर यानी किनारे उसके काट के उसकी जगह कोई उसी से मिलता जुलता जो है वो कपड़ा लगा दिया जाता है या सी दिया जाता है, तो उसको हम उर्दू में पैवन लगाना कहते हैं। पैवन लगाना शायद आपने अपनी मदर से भी सुना होगा। तो पैवन लगाने का क्या मतलब होता है कि हम उसको वहाँ पर ग्राफ्ट कर रहे हैं यानी वहाँ पर कोई ऐसा कपड़ा लगा रहे हैं जो उसी कपड़े से मिलता जुलता है और हमें पता चल जाता है कि भाई ये हमारा बहुत ही कीमती कपड़ा फट गया है, लिहाजा हमने इसको किसी ऐसे कपड़े से ढक देना है, उस जगह को सी देना है। तो इस पूरे जो आप सिलाई का काम जो करते हैं सीविंग वगैरह उसको पैवन कहा जाता है। इसी तरह का जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है वो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। तो ट्रांसप्लांटेशन भी क्या है? ये भी एक पैवनकारी है। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? पैवनकारी। जैसे अभी मैंने आपको इस कपड़े की मिसाल दी, तो पैवनकारी में ये होता है कि जो आपके डैमेज किडनी और लिवर होता है तो वो सर्जन क्या करते हैं, वो उसको रिमूव करके उसकी जगह एक हेल्दी पेशेंट नहीं कहते, ये हेल्दी पर्सन का जो है वो पेशेंट के अंदर वो किडनी या लिवर लगा देते हैं। तो इम्प्लांटेशन भी इसको वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इम्प्लांट कर देते हैं। जैसे इम्प्लांट का मतलब होता है नसब कर देना या नसब करना, किसी जगह पर फिक्स कर देना। तो यहाँ पर भी हमारा यही मकसद है कि सर्जरी में क्या हो रहा है कि आपके खुदा न खास्ता ऐसे जिस्म के हिस्से जो कि काम करना छोड़ रहे हैं तो उनको रिप्लेस करना। और सेकेंडली अगर मैं किडनी के हवाले से बात करूँ तो किडनी में बाज़ दफ़ा स्टोन्स पैदा हो जाते हैं जिसे गुर्दे की पथरी वगैरह कहा जाता है। तो गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए भी बाकायदा सर्जरी ही यानी सर्जन ही ये काम करते हैं, आम डॉक्टर यानी मेडिसिन से ताल्लुक़ रखने वाले ये काम नहीं कर सकते। फिर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो वो MBBS के कोर्स से लाजमी उनको जो है गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर ना तो वो मेडिसिन का अपना शोबा इख्तियार कर सकते हैं और ना ही वो स्पेशलाइजेशन यानी सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी आपके सामने मेडिसिन और सर्जरी की। नेक्स्ट प्रोफेशन ऑफ बायोलॉजी इज फिशरीज। नाम से जाहिर है फिश से ताल्लुक रखा जाता है इसको। और फिशरीज क्या है? इट इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। सबसे पहले ये आप डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन इज बेसिकली फिशरीज। तो शॉर्ट में हमने प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन बता दिया। नॉट ओनली दिस बट इन पाकिस्तान देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। बाकायदा तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जहाँ पर प्रोफेशनल्स जो हैं बाकायदा फिशरीज के काम कर रहे हैं, और साथ साथ दे सर्व फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन ऑफ फिश। इनका बेसिक काम क्या होता है कि ये, क्योंकि आपको पता है कि फिश जो है वो क्या है, आपकी वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये भी एक प्रोफेशनलिस्ट का काम होता है कि वो बाकायदा तौर पे अपनी जो फूड क्वालिटी है उसको बेहतर बनाए। तो इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो इन दो चीज़ों पे एक प्रोफेशनल जो है वो जो कि फिशरी से ताल्लुक़ रखता है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फ़िश क्या है, फ़िश प्रोडक्शन के हवाले से अगर मैंने बात की है तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि फ़िश आपका प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन आपकी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी से आपके जो मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। तो आपके मस्कुलर एक तरीके से स्ट्रेंथ के लिए जो है वो प्रोटीन का होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? इसके लिए आपको फिश ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। सो नॉट ओनली दिस बट इन पाकिस्तान द प्रोफेशन ऑफ फिशरीज कैन बी अडॉप्टेड
आफ्टर द बैचलर और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड फिशरीज। इसमें आपने बेटा क्या लिखना है, इसमें आपने हेडिंग देनी है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सर्जरी में भी आप दे सकते हैं कि एडॉप्शन। एडॉप्शन का क्या मतलब हुआ कि आप इस पेशे को कैसे और कब इख्तियार कर सकते हैं, यानी इख्तियार करना, प्रोफेशन को, किसी भी पेशे को इख्तियार करने को एडॉप्शन कहा जाता है। तो आपने फिशरीज का अगर आपने प्रोफेशन पढ़ना है, इसमें आगे जाना है, तो आपने क्या करना, आपने जूलॉजी और ये दो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा इसमें यानी पढ़ना है, मैं एंड करके लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं। सो जूलॉजी एंड फिशरीज, इन दो सब्जेक्ट में अगर आप अपना मास्टर लेवल यानी आप अपने MSc और साथ साथ अपना बैचलर यानी BSc जिसे BSc कहा जाता है, अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये दो सब्जेक्ट इनमें कमांड हासिल करने के बाद फिशरीज का प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं। थर्ड प्रोफेशन इन फ्रंट ऑफ यू इज एग्रीकल्चर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत का शोबा, खेती बाड़ी के लिहाज से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक साइंटिस्ट जो है वो खेती बाड़ी के कामों में लग गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर वो साइंटिस्ट जो कि एग्रीकल्चरिस्ट है और वो ज़राअत के शोबे में महारत रखता है तो उससे बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। सो दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप, ज़्यादातर इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनको उगाया जाता है, तो खाने वाली जितनी भी आपकी फसलें होती हैं जिनको फूड क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें वीट, कॉर्न, राइस, ये सारी चीज़ें या आपकी वीट जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, फूड क्रॉप्स होती हैं, ये सारी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सोर्स ऑफ फूड भी हैं आपके, जैसे कि आपको पता है कि फूड क्रॉप्स के अलावा और दूसरे कौन से और सोर्सेज हैं जहाँ से आप, जहाँ पर आप अपने पूरे एग्रीकल्चर की फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो ये एनिमल सोर्स भी हैं, यानी यूँ समझ लें कि एनिमल्स भी बाकायदा तौर पर ज़राअत के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर हम साथ साथ लेकर चलें तो एक एग्रीकल्चरिस्ट का क्या मकसद होता है कि अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट बन गए तो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वर्क करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाएं, किस चीज़ में, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया फूड क्रॉप्स में जिसमें हमारी वीट, कॉर्न, राइस वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जिनमें हमारे मवेशी वगैरह या लाइव स्टॉक शामिल हैं, मैं कुछ के नेम्स लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें सबसे पहला नाम आपके पास आता है बफेलो, काओ, गोट, शीप एंड सो मैनी अदर्स। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये वो एनिमल्स हैं जिनसे हम फूड हासिल करते हैं। सो दीज आर द रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। अब ये जब हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा इन टर्न ये मकसद होना चाहिए कि हम बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट हम कोशिश करें कि इनकी बेहतरी के लिए काम करें, हम इनसे जितनी इनके लिए काम करेंगे इनसे इन टर्न हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें फ़ायदा मिलेगा। किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड हासिल होगी यानी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे फूड क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा होंगी, मुल्क तरक्की करेगा और इस तरीके से हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। साथ साथ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इसी तरह जिस तरह हम उनसे मीट हासिल करते हैं, एग्स हासिल करते हैं, तो डिफरेंट तरह के हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, हम चाहे वो हम फूड क्रॉप्स पे अप्लाई करें या एनिमल्स पे। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट ही होते हैं जो कि बाकायदा साइंटिफिक लैब में कुछ इस तरह की चीज़ें और कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस तैयार करते हैं जिससे फसलों की पैदावार अच्छी हो जाए और एनिमल्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस दे दें। अब बात करेंगे हम ये कि प्रोफेशन को अडॉप्ट आप कब कर सकते हैं, तो हेडिंग इज अडॉप्शन। Now, profession of agriculture especially can be adopted by only you have to study that after secondary, higher secondary education जिसे कहा जाता है HSC, higher secondary education में आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, आपने biology का subject पढ़ना है और उसके बाद जब आप इंटर करने के बाद यानी 11वीं 12वीं के बाद जब आगे जाएंगे तो आपको आपकी जो मतलूबा जो एक फील्ड है या शोभा है वो तैयार मिलेगा और वो आपको वेलकम करेगा कि आइए और आके हमारे साथ शरीक हो जाएं और अपनी तमाम जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमें शो करें। नेक्स्ट करियर्स इन बायोलॉजी इज एनिमल हस्बेंड्री। नाउ व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री,
It is basically the branch of, that is, it is also the sub-branch of agriculture. Branch of agriculture. यूँ समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री की मदर है, यानी एग्रीकल्चर के बगैर एनिमल हस्बेंड्री का तस्वुर ही नामुमकिन है. क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर आप जो एनिमल्स के बारे में जो पढ़ते हैं, तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं, आप क्या करते हैं उनमें, उनकी केयर एंड ब्रीडिंग के हवाले से पढ़ते हैं. केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ विच एनिमल्स मेनली, विच आर कॉल्ड लाइव स्टॉक. क्या होते हैं लाइव स्टॉक एनिमल्स? यानी उर्दू में हम जिस तरह से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जानवरों के लिए, मवेशी. कौन से होते हैं ये मवेशी? जिनसे आपको दूध और गोश्त, अंडे, इस तरह की चीज़ें, इवन ऊन, वुल जिसे कहा जाता है, वो हासिल होते हैं. तो यहाँ पर हम उन एनिमल्स को लिखने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि वो फैलो, काओ, गोड, शीप, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं. अब इनकी केयर और ब्रीडिंग के हवाले से बात होती है. तो केयर मतलब इनका ख्याल रखा जाता है कि किस तरह से वो आपको रिच जो है सोर्स में मीट या जो मिल्क है वो प्रोवाइड कर सकती हैं. इसके अलावा ब्रीडिंग में उनकी जो नस्ल बढ़ाने की जो बात होती है कि किस तरह से अच्छी नस्ल की जो है वो गाय या बकरी वगैरह पैदा की जाए, ताकि दूध और आपके जितनी भी आपके एक दूध और गोश्त की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके. फिर हमारे पास यह जो अगली बात आती है वो यही है कि हमने चूँकि अपने एनिमल्स का जो है वो लुक आफ्टर करना है, साथ साथ हमें हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने से पहले अपने माइंड को इस तरह से सेट कर लें कि हमने इस प्रोफेशन में रहते हुए, चूँकि ये एग्रीकल्चरल के शोबे से भी ताल्लुक़ रखता है, तो हमने हर एस्पेक्ट्स को देखना है, एनिमल की हर उस बीमारी को भी लुक आफ्टर करना है, जिसमें खुदा न खास्ता किसी कोई एनिमल जो है वो अगर बीमार भी हो जाए तो वो भी एक तरीके से आपने डॉक्टर की तरह उसको ट्रीट करना है, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, आप एक एनिमल हस्बेंड्री के माहिर भी हैं. लिहाजा इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए सिर्फ आपने कहाँ जाना है, सिर्फ आपने जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तालीम होती है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, इंटरमीडिएट यानी 11वीं और 12वीं, तो 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद आपको ये अपना जो आपका एक शोबा है या सब्जेक्ट है वो तैयार मिलेगा. और किस सब्जेक्ट में आपने ये करना है? बायोलॉजी में, यानी बायोलॉजी के आपका आपके पास सब्जेक्ट होगा, तभी आप जाके एनिमल हस्बेंड्री में अपना नाम कमा सकेंगे. नेक्स्ट प्रोफेशन ऑफ बायोलॉजी इज डीलिंग अगेन समवॉट विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, एंड इट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर ना बेसिकली व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? इट इज जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, आर्ट ऑफ गार्डनिंग. आर्ट ऑफ गार्डनिंग को एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. नाउ आर्ट ऑफ गार्डनिंग का मतलब ये कि बागबानी, लफ्ज आपने सुना होगा उर्दू में बागबानी. ये प्रोफेशन क्या है? बागबानी से रिलेटेड है, जिसमें गार्डन्स की बाकायदा तौर पे रखवाली करना, उसको लुक आफ्टर करना, और उसमें जो डिफरेंट सजावटी यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल करना, उनकी नई वैरायटीज जो है वो प्रोड्यूस करना, ये सारा आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो एक साइंटिस्ट होता है जिसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, यानी जो हॉर्टिकल्चर में महारत हासिल करता है वो साइंटिस्ट कहलाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट. ये हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं? ये हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो कोशिश इनकी ये होती है कि ये जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं, एग्जिस्टिंग जो पौधों की एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, स्पेशली ऑर्नामेंटल प्लांट की जो मौजूदा एग्जिस्टिंग मीन मौजूदा जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके हवाले से, और साथ साथ इनका जो दूसरा मकसद होता है कि ये न्यू वैरायटीज़ पैदा करें, न्यू टाइप्स और न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करें. और इस तरीके से इनका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें नए नए या बहुत ही जैसे खुशबूदार और बहुत ही दिलकश या नज़रों को अच्छे लगने वाले ऑर्नामेंटल प्लांट्स मिल जाते हैं, यानी एक दिलकश पौधों का एक इम्तिजाज हमारे सामने आता है, और वो किसकी बदौलत है? इन्हीं हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी इन्हीं साइंटिस्ट की बदौलत है. अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो ज़्यादातर कौन से पौधों पे रिसर्च करते हैं, तो इनका जो ज़्यादातर फोकस होता है एक तो होता है ऑर्नामेंटल प्लांट. क्या होते हैं बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट? सजावटी पौधे, यानी सजावट के लिए, जैसे मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं,
फूलों के पौधे उनको लगाना और उनके अंदर जो एक फ्रेग्रेंस है उसको किस तरह इन्हेंस किया जाता है। बाकायदा तौर पर ये तमाम रिसर्चेज जो हैं वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट ही कर सकता है। इसके अलावा उनका जो दूसरा मकसद होता है वो ज़्यादा फ्रूट जो प्लांट्स होते हैं यानी फलों के दरख्त, इन पे इनकी जो रिसर्चेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फलों के दरख्त और सजावटी यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स पर जो एक रिसर्च हॉर्टिकल्चरिस्ट करता है दैट एक्चुअली कम इन द कैटेगरी ऑफ दिस कैरियर कॉल्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट या हॉर्टिकल्चर। अब बात करेंगे हम एडॉप्शन की। तो एडॉप्शन क्या है इसकी? एडॉप्शन यानी इस पेशे को इख्तियार करने के लिए आपने कौन से लेवल से गुजरना है। अगेन योर लेवल विल रिमेन सेम एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस वन HSC एंड व्हाट इज HSC? हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं लेकिन शॉर्ट में हम इसे HSC पढ़ते हैं, जो इंडिकेट ही कर रहा है कि आपकी HSC यानी इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और जैसे ही आपने बायोलॉजी के इस सब्जेक्ट में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन यानी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कुछ स्टेजेस हैं जिनसे गुजरने के बाद आप एक बाकायदा तौर पे हॉर्टिकल्चरिस्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट करियर इन बायोलॉजी इज फार्मिंग। नाउ व्हाट इज फार्मिंग? बेसिकली इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ which thing? Different types of farms. यानी इसका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट किस्म के जो फार्म्स आप खोलते हैं उनकी डिवेलपमेंट और मेंटेनेंस यानी उनको बनाना और बनाने के बाद उसको बरकरार रखना भी इसमें शामिल होता है। तो different farms मैं लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म से इसका ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल हम लें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फार्म आता है, तो हम बात करेंगे एनिमल फार्म्स। एनिमल फार्म्स में हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसमें सिर्फ उन एनिमल्स को रखें जिनकी हमने अभी लास्ट टाइम बात की कि लाइव स्टॉक। सो इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन सोर्स, नॉट ओनली प्रोटीन बट ऑल्सो मिल्क सोर्स। तो अभी हम जो बात करेंगे वो यही कि बेसिकली हमारा जो ज़्यादातर मकसद होता है एनिमल फार्म्स का वो क्या होता है? लाइव स्टॉक्स की इम्प्रूवमेंट। यानी हम बाकायदा एक कलेक्शन ऑफ एनिमल्स जमा कर लेते हैं अपने फार्म के अंदर और इस फार्म के अंदर बाकायदा तौर पर वो एनिमल्स हम रखने के अलावा उसका लुक आफ्टर करना और उससे अपनी मतलूबा जो डिज़ायर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हासिल करना। अब हमारी मतलूबा जो ख्वाहिशात होती हैं किसी भी एनिमल से वो क्या होती हैं कि वो हमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी मीट प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स ऑफ मीट फॉर प्रोटीन एज वेल एज एंड मिल्क। तो हम मीट फॉर प्रोटीन लिख के आगे लिख देते हैं एंड मिल्क। तो ये हमारी एक डिज़ायर्ड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एनिमल हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक फार्मासिस्ट जो है क्या करता है, वो एनिमल फार्म्स डेवलप करता है। ना सिर्फ ये कि वहाँ पर डिफरेंट किस्म के लाइव स्टॉक्स एनिमल्स को रखता है बल्कि बार दफ़ा आपने नाम ऐसे भी सुना होगा कि हॉर्स फार्म यानी घोड़ों का जैसे फार्म होता है जहाँ पर बहुत ही आला नस्ल के जो है वो घोड़े रखे जाते हैं, बहुत सारे और दूसरे एनिमल्स होते हैं जो इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रखता है। लेकिन फार्मासिस्ट जो हैं या फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाला जो एक साइंटिस्ट होता है उसका सिर्फ फोकस ये होता है कि वो किसी तरह मुल्क की तरक्की को, मुल्क की डिवेलपमेंट को आगे लेकर जाए। तो वो अपने लिए नहीं सोचता बल्कि एक बींग स्टूडेंट, बींग प्रोफेशनलिस्ट, वो हमेशा दूसरे के लिए सोचता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी अव्वलिन तरजीह होनी चाहिए कि जब भी हम अपनी तालीम हासिल करें अपने लिए भी सोचें, ये नहीं कि अपने लिए ना सोचें लेकिन कोशिश करें कि दूसरे के लिए ज़्यादा सोचें। तो इन टर्न बदले में आपको क्या मिलेगा कि अल्लाह ताला आपको इतना दे देगा कि आपको मतलब मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें इस पूरे जो करियर जो हम सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उससे हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम ये करियर क्यों पढ़ रहे हैं। हम अपनी सेफ्टी के लिए, हम अपनी एक मतलब अपनी ख्वाहिश के लिए पढ़ रहे हैं नहीं, बल्कि हम ये दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि दूसरे के लिए भी जी रहे हैं। नाउ कम बैक टू योर टॉपिक वंस अगेन।
सो हम बात कर रहे थे फार्मिंग की, और फार्मिंग में हमारे पास सिर्फ एनिमल फार्म्स ही नहीं आते, बल्कि हम साथ साथ इसमें क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से हम नंबर वन और नंबर टू लिख देते हैं ताकि आप वो एग्जाम्पल्स में लिख भी सकें. सो नंबर टू पे हमारे पास क्या आता है, पोल्ट्री फार्म्स. नाम आपने सुना होगा, पोल्ट्री का वर्ड आया चिकन से. तो चिकन के जो फार्म्स होते हैं जहाँ पर बाकायदा मुर्गियों को रखा जाता है, और मुर्गियों के फार्म को नॉर्मली कहा जाता है जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं. और इससे पता है आपको कि जो चिकन होती है उससे आप क्या हासिल करते हैं, उससे भी आप इसी तरीके से मिल्क नहीं हासिल करते, बस इतना ख्याल रखिएगा. इससे आप मीट हासिल करते हैं, और साथ साथ आपको जो है वो एग्स मिल जाते हैं. तो एग्स भी आपका यहाँ पर रिसोर्स ऑफ प्रोटीन, और साथ साथ आपको कैल्शियम भी मिल जाती है. सो पोल्ट्री फार्म्स रखने का भी हमारा यही मकसद है. फार्मिंग के लिहाज से देखें तो यहाँ पर आप अपने बेनिफिट के लिए भी सोचते हैं, और साथ साथ वो सप्लाई आप पूरे मुल्क में और इवन एक्सपोर्ट के लिए भी कर देते हैं. तो एक तरीके से इकोनॉमी जो है वो आप इस्टेब्लिश करने में बहुत आला किरदार अदा करेंगे अगर आप एक फार्मिंग से ताल्लुक रखने वाले साइंटिस्ट हैं. फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है बेटा फ्रूट फार्म्स की. फ्रूट फार्म्स इसी तरीके से जैसे हॉर्टिकल्चर में आपने पढ़ा था कि फलों की जो है वो बाकायदा तौर पर उनके पौधों की देखभाल करना, उनके बाकायदा प्लांट्स को जो है वो लुक आफ्टर करना, इसी तरीके से फार्मिंग में भी फ्रूट फार्म्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इसमें भी आपको इनकम हासिल हो रही है. डिफरेंट फ्रूट ईल्डिंग जो प्लांट्स हैं वो ग्रो किए जा रहे हैं. तो इनकम सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि फ्रूट फार्म्स पे काम किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ कि ये मुल्की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, बल्कि साथ साथ आप इसको जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जिसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है वो भी आपको हासिल हो सकता है. तो अपने फ़ायदे के साथ साथ आपने अपने मुल्क के लिए भी सोचना है. Now next heading which you have to provide here is adoption. अब यहाँ पर ख्याल ये रखना है आपने कि फार्मिंग की हेडिंग के बाद उसकी पूरी डिटेल आपने बतानी है कि क्या किया जाता है डिफरेंट फार्म्स की जो है वो उसको बनाना और उसको एक तरीके से बरकरार रखना, उसको मेंटेन रखना, ये सारा फार्मिंग का मकसद होता है. उसके बाद हेडिंग आप दे दीजिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल्स. ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल्स में आपके पास एनिमल फार्म्स, उसके बाद आपके पास आते हैं पोल्ट्री फार्म्स, और थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास आता है फ्रूट फार्म्स. देन कम टू द एडॉप्शन. एडॉप्शन आपके लिए बहुत ईजी है. अगेन आपने क्या पढ़ना है, HSC पढ़ना है, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी किस में किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए आपकी, बायोलॉजी में, और उसके बाद आप इस प्रोफेशन की तरफ मूव कर सकते हैं. कमिंग प्रोफेशन इज फॉरेस्ट्री. What is forestry? By name it is clear. Forestry word आया. Forest means जंगलात. जंगलात. Okay. So it basically deals with the development and maintenance of which thing. अब ज़ाहिर बात है इसमें भी ज़ाहिर कोई चीज़ ऐसी develop हो रही है या उसमें भी कोई look after किया जा रहा है, तो ये किससे ताल्लुक़ रखता है, ये भी एक तरीके से डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखता है. और इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं यानी माहिर होते हैं फॉरेस्ट्री के, वो लुक आफ्टर करते हैं. लुक आफ्टर मीन देखभाल करते हैं. देखभाल मतलब ख्याल रखते हैं उन तमाम पौधों का जो कि जंगलात में पाए जाते हैं. और साथ साथ सिर्फ फॉरेस्ट में ये नहीं होता कि आपने जंगलात का या पौधों का ख्याल रखना है, बल्कि साथ साथ जो और वहाँ पर आपको रिसोर्सेज हासिल होते हैं, तो हम पहले तो ये लिख देते हैं कि दे लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट. इन जो मेन इनका पॉइंट है, जो मेन इनका मकसद है, पहले आप वो लिख दें. और इसके साथ साथ जो डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो भी आपके रिच अमाउंट में जो है वो जंगलात में पाए जाते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये दोनों चीज़ें जिन पे फोकस करते हुए एक फॉरेस्ट का माहिर प्रोफेशनलिस्ट ही ये काम करता है कि जिसमें बाकायदा वो जो कुदरती जंगलात हैं जिनको मैन मेड नहीं कहते, बल्कि जिन्हें आपको प्रोवाइड किया गया है एक बड़ी हस्ती यानी एक अजीम हस्ती जिसका कोई सानी नहीं है यानी अल्लाह ताला. तो नेचुरल का वर्ड जब भी आता है तो यही समझ लीजिए कि ये कुदरती का लफ्ज़ है. कुदरती का मतलब आया है कुदरत से, और कुदरत यहाँ पर हमारे पास जो कुदरत का इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है. फिर उसके बाद देखिएगा कि जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमें ये भी नज़र आता है कि जब लुक आफ्टर कर रहे हैं तो साथ साथ वो गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं. तो एडवाइस क्या है गवर्नमेंट को, एडवाइस टू द गवर्नमेंट मतलब कि
बाकायदा तौर पे जो हुकूमत होती है जिस मुल्क की भी, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत है तो उनको बताते हैं ये फॉरेस्ट के माहिर कि भाई आपके जो एक परसेंटेज अमाउंट है, ये परसेंटेज है जंगलात की, वो बहुत कम हो रही है, लिहाजा आप किस तरह से जंगलात को बढ़ा सकते हैं, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, किस तरह आप आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट से क्या मुराद है? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का मतलब है कि मस्नूई जंगलात, यानी मैन मेड जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो जाहिर बात है हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमने अपने नेचुरल फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन की तरफ लेकर आ गए, और ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है डीफॉरेस्टेशन। हमने बहुत सारे अपने ज़ाती मफाद के लिए, जिससे हमें लकड़ी हासिल होती है या हमें उनसे फ्यूल हासिल करना है, बहुत सारी चीज़ें इमारत तैयार करनी है, बिल्डिंग्स तैयार करनी है, हमें अपने ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, रास्ते निकालने जंगलात से, तो बहुत सारी जो ज़ाती मफादात होते हैं उनके बुनियाद पर हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाते हैं जिससे हम अपने अल्लाह ताला के दिए गए इस तोहफे को, उसकी कदर नहीं कर पाते। लिहाजा फॉरेस्ट्री के शोबे में रहते हुए एक प्रोफेशनल ही आपको बताएगा कि किस तरह से आपने अपने उस कुदरती तोहफे की हिफाजत करनी है, किस तरह आपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कंज्यूम करना है, उनको बचाना है, सेव करना है और उसको कंजर्व करना है, और साथ साथ गवर्नमेंट को बाकायदा ये मशवरा देना कि आपने किस तरह अपने नेचुरल फॉरेस्ट को बचा कर, और अगर खुदा ना खास्ता वो महफूज नहीं है तो आप आर्टिफिशियल जो है वो फॉरेस्ट ग्रो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने से ना सिर्फ ये कि जो ग्रीनरी है, आपका जो मुल्क है वो ग्रीन रहेगा, बल्कि साथ साथ जो टूरिज्म है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि बाहर मुल्क से जो लोग आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, वो टूरिज्म के तहत या सियाहत के तहत जब आते हैं तो सबसे पहले उनकी निगाह जो होती है वो आपके मुल्क के फॉरेस्ट पर होती है। तो इस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि डीफॉरेस्टेशन यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, डीफॉरेस्टेशन किसे कहा जाता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दरख्तों के कटाव को कम से कम किया जाए और कोशिश की जाए कि सिर्फ ज़रूरत के तहत ही इनका इस्तेमाल हो, और इस खूबसूरती को, इस दिलकशी को जो दुनिया में इस वक्त मौजूद है पौधों की शक्ल में, कभी ख़त्म ना किया जाए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, एडॉप्शन। एडॉप्शन का मेरा मतलब होता है, अगेन मैं बता रही हूँ कि आप किस तरह इस पेशे की तरफ रुख कर सकते हैं या कैसे इस पेशे को इख्तियार कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने पढ़ना है फॉरेस्ट्री का तो आप क्या करेंगे? तो वही तालीम, पहले तो आपने फोकस रखना है हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कौन से सब्जेक्ट में करना है। ऑब्वियसली जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में आपके पास स्पेशलाइजेशन, यानी इतनी स्पेशलाइजेशन हो कि आप इंटर वहाँ से कामयाबी से करके निकलें, और उसके बाद अगर आप इंटर के बाद बिलफर्ज आपको नहीं मिला ये मौका, तो आपने एक चांस और अवेल करना है, और इस चांस में आपके पास बीएस का लेवल आता है, बीएससी का लेवल आता है, बीएस लेवल आता है। बीएस लेवल स्टडी आपने किस में करनी होगी? जूलॉजी और साथ साथ बॉटनी में, जूलॉजी प्लस बॉटनी। क्यों? क्योंकि आप फॉरेस्ट में सिर्फ आपका ताल्लुक जो है वो जानवरों से नहीं होता बल्कि पौधों से भी होता है। हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर नेचुरल फॉरेस्ट, तो जाहिर बात है क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जूलॉजी जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी आपके फॉरेस्ट का हिस्सा होते हैं, और ये फॉरेस्ट वहाँ पर अपनी एक बाकायदा तौर पर हैबिटेट फॉर्म करते हैं, यानी वहाँ पर उनका एक मस्कन होता है, रिहाइश होती है, जहाँ पर वो बाकायदा जैसे परिंदे हैं तो दरख्तों पे घोंसला या नेस्ट बनाकर रहते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एनिमल्स का आपके इस फॉरेस्ट के अंदर रहना, वहाँ से फूड हासिल करना, एक प्रोटेक्शन हासिल करना, ये सब जो है वो आप जूलॉजी ही में पढ़ते हैं, और जूलॉजी का ताल्लुक इनडायरेक्टली आपका किससे आता है? फॉरेस्ट्री से। नाउ लास्ट करियर इन बायोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू अगेन दिस चैप्टर बिकॉज यू हैव डन इट इन योर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। एंड व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, इट इज द बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी।
and this branch of biology deals with the फॉर्मेशन और मेकिंग ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस. क्या तैयार किया जाता है इसमें? इसमें आप बनाते हैं, यानी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो क्या बनाता है? मेकिंग ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. यानी कहाँ किस की वजह से बनाता है? थ्रू भी हम लिख देते हैं, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये हमारा एक प्रीवियस रिकॉल हो गया कि कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह की या ईस्ट की मदद से, जो यूजफुल सब्सटेंसेस एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट अपनी लैब में तैयार करता है ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके, इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हो सकें. सो कम टू द बायोटेक्नोलॉजी एज करियर. हम बात कर रहे हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की अब तक, और हम बात करेंगे करियर के हवाले से. सो बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली द मॉडर्न एंड द लेटेस्ट प्रोफेशन, लेटेस्ट करियर ऑफ द बायोलॉजी. ये लेटेस्ट प्रोफेशन हमारा कहलाता है, और क्योंकि इसमें जो है वो जितनी जिद्दत है, जितनी जदीद तरीके से जो है इस पर काम हो रहा है, यानी मैं लिख देती हूँ यहाँ लफ्ज जदीद तरीका, जदीद तरीकेकार से जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, इसके अलावा जो है वो किसी भी करियर में आपको नज़र नहीं आ रही. यानी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसमें आप कोशिश करें तो मतलब कहीं इंतहा नहीं होगी इसकी, इसकी लिमिटेशन आपको नज़र नहीं आएंगी. इसके अलावा अगर बात करें तो एक जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको हम यहाँ लिख देते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट. सो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वही मैं बात दोबारा रिपीट करती हूँ कि वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस की या प्रोडक्ट्स की थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो किसकी मदद से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, जो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं या जानदार शामिल हैं, उनकी मदद से यूजफुल सब्सटेंसेस को बनाने का पूरा एक अमल एक बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आता है, जो कि कौन परफॉर्म करते हैं? बायोटेक्नोलॉजिस्ट. अब आप बात करेंगे एडॉप्शन के हवाले से. तो एडॉप्शन क्या है, किस तरह से इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपने कौन से कोर्सेज हैं जिनको पढ़ना है? तो इन बायोटेक्नोलॉजी आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन पढ़नी होगी बायोलॉजी में. हायर सेकेंडरी एजुकेशन किस कौन सी तालीम है आपकी? अगेन मैं बता देती हूँ कि इंटरमीडिएट, तो ये जहन में रखिएगा. तो बायोलॉजी में आपने इंटर करना है. इंटर करने के बाद आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और जूलॉजी, तो वही आपकी दोबारा से एक और फील्ड आ जाती है बैचलर लेवल. बैचलर मीन कि आपने बीएस करना है किस सब्जेक्ट में? बैचलर इन इन जूलॉजी एज वेल एज प्लस बॉटनी, क्योंकि जो रिसर्चेस होती हैं ज़्यादातर पौधों और एनिमल्स पे, यानी प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर की जाती हैं, और इन रिसर्चेस के नतीजे में आपको जो यूजफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं दैट इज़ ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड दिस बेसिकली प्रोफेशन कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी.